आज हम है प्रगति मैदान के ट्रेड फेयर में और यहाँ पर हम आ पहुंचे हैं खादी इंडिया में। जी हाँ, खादी इंडिया वही ब्रांड है जो अपना स्वदेशी भारतीय ब्रांड है, जहाँ पर आपको सूती के कपड़े मिलेंगे और भी मिट्टी के काफी सारे जो सामान है आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं आप, क्या क्या बनाते हैं? मैम आपके सामने पोटलीज रखी है, सब बनाते हैं वैसे तो, बट जो भी इधर है ये नॉर्मली बना रहे हैं, बच्चों को जो बच्चों को पसंद होता है नॉर्मली ये बना रहे हैं। स्टार्टिंग प्राइस क्या है मैम? स्टार्टिंग प्राइस है 50 रुपीज। क्या है 50 रुपीज मैम? ये मैम और मैम वो एक कप है मैम। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बॉटल्स भी मिट्टी से बनाए हुए हैं। 150। पानी डालेंगे तो क्या फीलिंग आई मैम? जी मैम। और वो तवा भी है? रोटी, रोटी यस मैम, तवे का एकदम सही रहता है मतलब। बिल्कुल, इस पे हम ही खाते बना कर। जी मैम। क्या प्राइस है इसका मैम? 150। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली और आज हम है प्रगति मैदान के ट्रेड फेयर में और यहाँ पर हम आ पहुंचे हैं खादी इंडिया में। जी हाँ, खादी इंडिया वही ब्रांड है जो अपना स्वदेशी भारतीय ब्रांड है, जहाँ पर आपको सूती के कपड़े मिलेंगे और भी मिट्टी के काफी सारे जो सामान है आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो हम जो एंटर करते तो ये काफी ज्यादा जो ये पवेलियन है बहुत खूबसूरत सजाया गया है। आप देखिए इसकी एंट्री गेट ही कितनी प्यारी बनाई गई है। उसके बाद अब अगर आप इसमें एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ पे फोटो शूट करने के लिए भी काफी बढ़िया प्लेसेस मिल जाएंगे, लेकिन आपको खादी ब्रांड्स के सामान भी जो है वो काफी अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। अभी हम जो यहाँ पर मौजूद है आप देख सकते हैं कि खादी ब्रांड जो है वो चरखे से जो है कपड़े बनाते हैं, सूती कपड़े का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये स्वदेशी ब्रांड है, पूरे भारत में जो है ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर इन्होंने खूबसूरती के लिए ये चरखा भी इतना बड़ा लगा रखा है और आप वहाँ पे देख सकते हैं कि मिट्टी के जो है वो बर्तन भी बनाए जा रहे हैं। उस तरफ मैं आपको दिखाऊंगी तो मिट्टी के बर्तन यहाँ पर जो है बनाए जा रहे हैं। लोग भी जो है खुद भी ट्राई करके देख रहे हैं कि किस तरीके से आप मिट्टी के बर्तन बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं। आप भी इसे यहाँ पर अगर आ रहे हैं तो ट्राई कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? पंकज। मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं आप, खादी ब्रांड से? जी मैम। क्या क्या बनाते हैं मैम? आपके सामने पोटलीज रखी है, सब बनाते हैं मैम वैसे तो, बट जो भी इधर है ये नॉर्मली बना रहे हैं, बच्चों को जो बच्चों को पसंद होता है नॉर्मली ये बना रहे हैं। ठीक है, तो बाकी ये जो आपके सामने दिख रहे हैं ये तो घर से बनाए हुए होते हैं, बाकी यही बना रहे हैं और यहाँ पे बना रहे हैं। जी मैम। क्या प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस क्या है मैम? स्टार्टिंग प्राइस है 50 रुपीज। क्या है 50 रुपीज मैम? ये मैम और मैम वो एक कप है मैम और बाकी सब घुड़े हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बॉटल्स भी मिट्टी से बनाए हुए हैं? 150। पानी डालेंगे तो क्या फीलिंग आई मैम? जी मैम। और वो तवा भी है? रोटी, रोटी यस मैम, तवे का एकदम सही रहता है मतलब। बिल्कुल, इस पे हम ही खाते बनाकर भी। जी मैम। क्या प्राइस है इसका मैम? 150। जी मैम। अच्छा, तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर आपको चीजें मिल जाएंगी। ये मिट्टी के बर्तन जो जिन लोगों को मिट्टी के घड़े का पानी पीना पसंद है वो इसमें जो है वो पानी भर के भी पी सकते हैं। बहुत अच्छी चीज है यहाँ पर आपको काफी मिट्टी के जो बहुत लोगों को जो है चाय पीना बहुत पसंद होता है मिट्टी के कप में, तो आप इसमें जो है आराम से चाय की चुस्की ले सकते हैं। बाकी आपको भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, लेकिन हम आगे चलते हैं और भी चीजें देखते हैं कि वहां पर क्या क्या है, क्योंकि खादी ब्रांड में बहुत सारी चीजें होती है। तो हम यहाँ पर आकर आपको दिखाएंगे कि और भी चीजें क्या क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अंदर में काफी अच्छी चीज बनी हुई है, यहाँ पर आप सेल्फीज ले सकते हैं, फोटोज ले सकते हैं। बाकी इधर की तरफ हम आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से कपड़े भी आपको जो है वो बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, कपड़े भी मिलेंगे आपको और बहुत बेहतरीन बेहतरीन आपको डिजाइन्स में यहाँ पर चीजें मिलने वाली है। जैसे कि आप ये कुर्ता देख सकते हैं, प्योर कॉटन का कुर्ता है ये भी आपको जो है वो खादी इंडिया की तरफ से जो है यहाँ पे स्टॉल लगी हुई है। यहाँ पर आप डिजाइन देखिए कुर्ते की, टाई एंड डाई में है, बहुत अलग अलग प्लेन में टाई एंड डाई प्रिंट में काफी अच्छे अच्छे प्रिंट में जो है आपको यहाँ पे कुर्ते जो है वो मिल जाएंगे। बाकी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? संजय नाम। क्या क्या है अभी आपके स्टॉल? ये सबसे पहले हमारा चरखा ही है। देखो ये देखिए चरखा जो आ रहा है ये। अच्छा, कितने का है ये? 400 रुपए का फिक्स प्राइस है इसका। यस यस। खादी ब्रांड जो है क्या क्या बनाता है? ये हनी है, ये ग्रीन टी है, ये अचार वगैरह है, सब कुछ है। सब कुछ बनाते हैं। हाँ, स्पेशली जो सूती कपड़ों में ज्यादा काम है। हाँ, फैब्रिक है, सूती है, कॉटन है। कुर्ता हम देख रहे हैं ये भी किसका है? ये कॉटन का है, कॉटन। बिल्कुल। क्या प्राइस है इसका? इसका 934 है और 20% डिस्काउंट इसके ऊपर। हाँ, 747 का पड़ेगा आपको। तो आप
आप देख सकते हैं कि आप भी अगर प्योर सूती के पहनने के शौकीन है तो आप ये देखिए कितना प्यारा डिजाइन का जो है ये टाई एंड टाई में कुर्ता है। इसका कलर भी कितना खूबसूरत है, मतलब आपको 900 से 1000 के बीच में जो है वो यहाँ पर कुर्ते मिल जाएंगे। बाकी हम और भी आगे जाकर जो है वो देखेंगे कि और भी क्या क्या चीजें जो है वो खादी ब्रांड यहाँ पर दे रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ आगे बढ़े। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि काफी लोग जो है वो सेल्फीज भी ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बहुत ज्यादा है। अभी आप देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ लगी हुई है, वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर गांधी जी जो है विराजमान है, इसलिए वहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ लगी। हम अपना कैमरा जो है आगे ले जाकर आपको दिखाते हैं क्योंकि भीड़ ही यहाँ पर इतनी ज्यादा है। ये देखिए लोग जो है वो फोटोज क्लिक करवा रहे हैं फैमिली के साथ, जो है हर बंदा फोटोज क्लिक करवा रहा है। इस तरीके से जो है आप यहाँ पर आके फोटोज भी क्लिक करवा सकते हैं। मतलब खादी ब्रांड जो है वो दर्शाता है महात्मा गांधी जी के चरखे से जब वो बनाते थे उसी चीज से जो है ये खादी ब्रांड भी चल रहा है और वही चीजें जो है यहाँ पर हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया गया है महात्मा गांधी का, ये आप देखिए यहाँ पर। बाकी हम जो है और आगे जाकर आपको दिखाते हैं कि और भी क्या क्या चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। वो देखिए वहां पर भी जो है वो चरखा पूरा का पूरा रखा हुआ है, पहले के जमाने का चरखा आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सामान तो मिलेगा ही लेकिन आपको थोड़ी बहुत जो है वो ऐसी चीजें भी देखने को मिल जाएंगी जो आपने आपके बच्चों ने कभी नहीं देखी होंगी। बाकी भी हम जो है और चीजें चलकर आके देखते हैं कि क्या है वहां पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खादी इंडिया जो है वो हैंडमेड पेपर भी बना रही है। आप देखिए तुरंत के तुरंत आपको यहाँ पर जो है पेपर निकल कर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर ये प्रोसेस जो चल रहा है वो पेपर बनाने का प्रोसेस चल रहा है, उसके बाद जो है इस तरीके का पेपर जो है आपको निकलता है जिस पर डिजाइनिंग करके भी जो है आपको दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि वहां पर वो कोरा कागज है उस पर डिजाइनिंग करके गिफ्ट पेपर बनाकर वॉल पेपर बनाकर अलग अलग डिजाइन आप देखिए यहाँ पर जो है फ्रेम्स भी हैं, फ्रेम्स भी बनाकर जो है यहाँ पर रखा जा रहा है। पर ये बनता कैसे है, क्या है इसके पीछे का प्रोसेस थोड़ा जानते हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? कमलराज शर्मा। कैसे बन रहा है ये? हम लोग पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं, कोई पेड़ों से लकड़ी मतलब पेपर नहीं बनाया जाता। जितने भी एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं, कॉटन, बनाना, जूट, सनहेम, रेमी और टेक्सटाइल वेस्ट, कपड़ों की कतरन है, पुराने कपड़ों की कतरन, उससे रिसाइकिल करके पेपर बनाया जाता है। उससे डायरी, फोल्डर, एनवलप, कैरी बैग, ये सब डेवलप किए जाते हैं। और रिसर्च इंस्टीट्यूट है राजस्थान जयपुर में, कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट। तो बहुत साइंस होगा इसके पीछे? हाँ, काफ़ी साइंस है इसके पीछे भी। रिसर्च करना पड़ता है, फिर इसको डेवलपमेंट करना पड़ता है, तब फिर हम ट्रेनिंग देते हैं, फिर एंटरप्रेन्योर्स आते हैं हमारे खादी से लोन लेकर नई छोटी छोटी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं और एक रोजगार का स्रोत भी है इसमें। एक इंडस्ट्री में कम से कम 20 से 25 आदमी काम करते हैं। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री लगेंगे उतना रोजगार बढ़ेगा। ये स्किल इंडिया का तहत खादी इंडिया का प्रोग्राम है। तो इसमें अभी क्या है, ये क्या है, ये पानी क्या है? सिंपल वाटर है और टेक्सटाइल वेस्ट कॉटन रैक्स वो लिखा है। कॉटन है जो कॉटन से कॉटन और पानी मिला के बन रहा है। हाँ, बस पानी। तो ये निकलता कहाँ से पेपर? पेपर ये जाली है, अब इस तरह करके ये पेपर बन गया आपका, पेपर फॉर्म हो गया। अब इसको हम एक कपड़ा लगाएंगे, एक पेपर लगाएंगे इस तरह का कॉटन का, इसे 500 शीट को प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद ये सन ड्राई करेंगे, सन ड्राई के आफ्टर कलेंडरिंग करेंगे, स्मूथनेस करेंगे। उसके बाद फिर जॉब वर्क, डेकोरेटिव, स्क्रीन प्रिंटिंग, वॉल पेपर के लिए जो भी फंक्शन होंगे वो कार्य होगा। तो जो आप देख रहे हैं कि ये जो चीज़ है, मैं छू सकती हूँ? ये जो चीज़ है ये इसी से जो है ये पेपर बनता है ना, इसको प्रेस करके जो पतला सा हो जाता होगा, फिर उसके बाद इसको जो है पेपर के लिए, इसको पेपर की तरह ही शेप आ जाता है, इसके बाद इसको सन ड्राई करा जाता है, उसके बाद उस पर कलरिंग वगैरह जो भी डिजाइन दिया जाता है वो करा जाता है। तो अच्छा, इससे क्या प्राइस है इसका? ये अगर टोटल कॉस्ट अगर 150 रुपए किलो, 300 रुपए, जस्ट डबल का मार्जिन है। 150 रुपए कीजिए अगर रॉ मटेरियल, अगर प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है तो 300 रुपए किलो बिकेगा आपका, जस्ट डबल। तो ये आप जो है ये मशीन? नहीं, नहीं, मशीन नहीं सप्लाई करते, हम ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं। कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट है, खादी इंडिया का एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है जयपुर में, जिसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट काम करते हैं, बड़े बड़े मतलब रिसर्च ऑफिसर्स हैं वहाँ पर, और हर फील्ड में काम होता रहता है, और साथ में ट्रेनिंग भी दी जाती है हैंडमेड पेपर बनाने की, ठीक है। और दूसरा एक प्रोग्राम चलता है हमारा पेंट का, प्राकृतिक पेंट, गाय के गोबर से पेंट बनाने का, गाय के गोबर से पेपर बनाने का, और एलिफेंट डंग का पेपर ही बनाया जाता है, गाय के गोबर का भी पेपर बनाया जाता है वहाँ पर, और साबुन, सोप, ये भी सब बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। तो
आप देख रहे हैं कि कई सारी चीजों से इन्होंने बताया, एलिफेंट डंक जो है, काऊ डंक, बहुत सारी चीजों से जो है यहाँ पर पेपर बनाया जा रहा है। ये आप देखिए किस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, कितने खूबसूरत खूबसूरत जो है ये देखिए पेपर बैग है, ये खूबसूरत खूबसूरत छोटे छोटे जो है पेपर बैग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आपको वॉल पेपर फ्रेम्स वगैरह बहुत बढ़िया बढ़िया आपको यहाँ पे, क्या प्राइस है इसका? मैम ये 30 रुपए का ये है और 100 रुपए की मशीन ये वाली है, ये 100 रुपए का है, ये देखो ये 100 रुपए की डायरी है पूरी, ये देखिए 100 रुपए की डायरी है जो कि इसी से बनाया गया है, बहुत खूबसूरत है, इस पर डिजाइनिंग भी बहुत खूबसूरत की गई है। बाकी 20 रुपए का आपको फ्रेम मिल जाएगा। तो आपको भी खरीदना है तो आप एक बार विजिट तो जरूर कर सकते हैं, प्रगति मैदान में आपको आना है। बाकी हम बता दें तो ये हॉल नंबर क्या रहेगा? 3 नंबर, हॉल नंबर 3 में आइए और आपको खादी इंडिया में एक बार विजिट करिए। देखिए कितनी बड़ी जो अंदर की तरफ आप देखेंगे तो खादी इंडिया का पूरा जो है वो एक तरीके से यहाँ पर मेला ही बोल सकते हैं। खादी इंडिया ने जो है बहुत अच्छी पेशकश यहाँ पर करी है, इसलिए आप यहाँ पर आकर जो है बहुत बढ़िया तरीके से शॉपिंग भी कर सकते हैं, कुछ सीख भी सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसी के साथ देखते रहें झलको दिल्ली। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।